तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर फाइनली इतने टाइम बाद यहाँ पर व्यूअरशिप वाली वीडियो वापस आ चुकी है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैं थोड़ा सा अनएक्टिव हो गया था, वीडियोस यहाँ पर डेली नहीं आ पा रही थी और यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर कम वीडियोस आती थी, तो यहाँ पर व्यूअरशिप वाली वीडियो भी बिल्कुल आ नहीं पा रही थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, पूछ रहे थे व्यूअरशिप वाली वीडियो को लेके आओ। तो फाइनली यहाँ पर व्यूअरशिप वाली वीडियो वापस आ चुकी है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारे शोज़ की उनको व्यूअरशिप मिल जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि लाइक आप करोगे तो उसी से यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वीक के सारे शोज़ की व्यूअरशिप के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले शो के बारे में, यानी कि मंडे नाइट रॉ के बारे में। और इस वीक का जो रॉ का एपिसोड गया है, हालांकि यहाँ पर इसकी मैंने व्यूअरशिप आपको बता दी थी, क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी ना यहाँ पर शो के बाद और जो व्यूअरशिप निकल के आई थी वो तो भाई बहुत ज़्यादा थी। और शो के ऊपर हमने देखा था जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे, मतलब सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है, फिर से यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेश स्टार्ट है WWE के अंदर। तो शो के ऊपर हमने दो ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखे थे, इसके अलावा यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ था। सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर पूरा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, एक अच्छा शो हमें देखने को मिला था। और व्यूअरशिप आपको जैसे कि पता ही है इस वीक के रॉ की कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि 2.3 मिलियन तक यहाँ पर उनकी व्यूअरशिप यहाँ पर बढ़ चुकी है। व्यूअरशिप आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा जंप आया रॉ की व्यूअरशिप में, जो कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन इस वीक यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल एच का एरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो फैंस बिल्कुल एक्साइटेड थे कि रॉ के अंदर क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर रॉ को इस वीक काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अगले शो के बात करें यानी कि गाइज NXT के बारे में, और NXT को यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से यहाँ पर उनके एपिसोड अभी देख नहीं पा रहा हूँ। तो ज़्यादातर कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीक हमने देखा था जहाँ पर वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ था, जो उनके टाइटल वेकेंट थे उसको लेके मैच हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर न्यू चैंपियंस भी थी, मतलब क्राउन हुई थी न्यू चैंपियन। और इसके अलावा जो मेन इवेंट था वो था यहाँ पर सोलो सिकोवा और वॉन वैगनर का मैच, जो कि यहाँ पर एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। तो वो भी मेन इवेंट के अंदर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला था। और व्यूअरशिप की भी यहाँ पर हम बात करें तो NXT की भी व्यूअरशिप यहाँ पर इस वीक की बड़ी है, थोड़ा सा उनको भी यहाँ पर जंप मिला है व्यूअरशिप के अंदर। अगले शो की अगर हम बात करें यानी कि गैस AEW डायनामाइट के बारे में, और इस वीक का यहाँ पर उनका एपिसोड था जहाँ पर एडम कोल का रिटर्न हुआ था, उसको यहाँ पर हाइप किया गया था। एडम कोल काफ़ी टाइम बाद हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा जो मेन इवेंट था क्रिस जेरिको और व्हीलर यूटा का मैच हमें देखने को मिला था। शो के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला था, लेकिन जो व्यूअरशिप है यहाँ पर डायनामाइट की वो यहाँ पर नीचे आ चुकी है, काफ़ी कह सकते हो डाउन में व्यूअरशिप गई है इस वीक की उनकी। और डायनामाइट शायद बहुत टाइम से मतलब 1 मिलियन तक व्यूअरशिप लेके नहीं आ पा रहा है, पता नहीं। हालांकि पिछले कुछ मैंने व्यूअरशिप देखी भी नहीं है पिछले कुछ हफ्तों की, लेकिन डायनामाइट के साथ सीन ऐसे ही है जहाँ पर 9 लाख के आसपास उनके व्यूअरशिप रहते हैं, लेकिन अभी जो उनकी 1 मिलियन की व्यूअरशिप है ना वो उसको अचीव यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कह सकते हो दिक्कतें यहाँ पर उनको आती रहती हैं। अगले शो के बात करें यानी कि गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के बारे में, तो इम्पैक्ट रेसलिंग को तो भाई काफ़ी टाइम से मैंने नहीं देखा, तो ज़्यादातर चीज़ों का पता भी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये व्यूअरशिप वाली वीडियो है, तो यहाँ पर मुझे लगा इम्पैक्ट को भी यहाँ पर इसमें ऐड कर लेना चाहिए। और व्यूअरशिप यहाँ पर मैंने इस वीक की उनकी देखी, तो यहाँ पर लास्ट वीक के कंपैरिजन में यहाँ पर इम्पैक्ट की व्यूअरशिप बढ़ी है, जहाँ पर 1 लाख के ऊपर यहाँ पर उनके नंबर्स आ चुके हैं। तो इम्पैक्ट के साथ तो यहाँ पर सीन ऐसा ही रहता है, जब हमने मतलब व्यूअरशिप पहले कितने टाइम से व्यूअरशिप वाली वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर इम्पैक्ट की 1 लाख के आसपास ही व्यूअरशिप आती थी, और अभी भी यहाँ पर उनका काम थोड़ा सा ऐसा ही है। अगले शो की अगर बात करें यानी कि आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, और इस वीक का जो स्मैकडाउन का शो था उसको भी लेके भाई तारीफें तारीफें हो रही हैं, क्योंकि जो एंडिंग हमने स्मैकडाउन की देखी थी कैरिन क्रॉस वापस आ चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और व्यूअरशिप यहाँ पर मैं आपको स्मैकडाउन की बताऊँ तो अभी यहाँ पर ओवरनाइट व्यूअरशिप निकल के आई है, जो एक्चुअल नंबर है वो अभी तक तो यहाँ पर आए नहीं है। तो ओवरनाइट व्यूअरशिप में तो यहाँ पर 1.8 मिलियन कुछ यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गई है, जो कि लास्ट वीक के ओवरनाइट व्यूअरशिप से यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर व्यूअरशिप डाउन में है उनकी। लेकिन जो बाद में एक्चुअल नंबर निकल के आएंगे, जो रियल व्यूअरशिप आएगी, उसमें हमें थोड़े सही नंबर्स पता चलेंगे कि यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप यहाँ पर कितनी जाती है। अभी तो ओवरनाइट में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर डाउन चली गई है व्यूअरशिप। तो ये थे यहाँ पर सारे शोज और उनकी व्यूअरशिप। रैम्पेज की व्यूअरशिप अभी आई नहीं है, तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी कमेंट करके आप लोग मुझे जो भी बताना है बता सकते हो,
और जैसे कि इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है कि कैसी आपको ये वीडियो लगती है या फिर जो भी है बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर देना। लाइक की यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास आते थे भाई व्यूअर्स वाली वीडियो क्यों नहीं आ रही, लेके आओ तो यहाँ पर ये आ चुकी है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करो। तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के। तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।